कमी नहीं है जो बर्बरी में देखा जाए, बाकी हर ब्रीड में कोई ना कोई कमी है, अच्छाइयाँ भी हैं तो उसके साथ कमी भी है, लेकिन बर्बरी में कोई ऐसी बात नहीं इसको बोला जाए कि ये इसमें कमी है, ये एवर ग्रीन बकरी है। सैलरी मेरी 6 लाख पर एनम की मेरा पैकेज था 5 साल पहले। आज जी 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 6 लाख था उसे, अभी शायद मैं अगर उसमें होता तो आज 10 लाख से भी ऊपर होता जी जी। और लेकिन फिर भी जो आज मेरी इनकम है उतना तो नहीं होता है ना, लोग 10,000 तक, 10,000 पर बकरी तक कमाते हैं 10,000, लेकिन मेरे यहाँ 15,000 से ज़्यादा है पर बकरी एवरेज, तो 15 से 20 लाख हमारा पर एनम का इनकम है। कुछ बकरियाँ मेरे पास ऐसी रहती हैं कि हैं अभी जो जिनके बच्चे और उनका प्रोडक्शन ऐसा है कि अगर वैसी बकरियाँ आपके पास 100 मदर गोट हो गए तो उसमें आप 25 लाख भी, 30 लाख भी, 35 लाख तक जा सकते हैं, कमा सकते हैं, डिपेंड करता तो है कहीं ना कहीं ये बकरियों की नस्ल पे डिपेंड करता है कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। मतलब कैसा चुनाव करते हैं, कैसी नस्ल की बकरियां रखते हैं। जी जी दोस्तों नमस्कार, इवनिंग फ्रेम एंड एज के कौन न्यू मीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक ऐसे युवा के पास आए हुए हैं जिन्होंने अपना लाखों की जॉब छोड़ करके बकरी पालन पर ध्यान दिया और बकरी पालन की शुरुआत की और काफ़ी समय से एक अच्छे खासे लेवल बकरी फार्म कर भी रहे हैं और इनको इसमें इतना ज़्यादा अनुभव अभी तक हो चुका है कि लोगों को भी जागरूक करते हैं और सिखाते भी हैं कि कैसे बकरी पालन किया जा सकता है। तो आइए आपको युवा से मिलाते हैं और देते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। उसके पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना भूलें। ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। हम चाहेंगे कि एक छोटा सा परिचय आपका हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। जी मेरा नाम सलाउद्दीन खान है जी। मैं गोट फार्मिंग अपना कर रहा हूँ बंजरिया बाजार में, जो देवरिया डिस्ट्रिक्ट से 27 किलोमीटर दूर जी। हमारे बंजरिया बाजार में स्टेब्लिश है। तो सर कैसे आना हुआ थोड़ा सा बकरी पालन में, अपना एक्सपीरियंस एक साझा कीजिए। बकरी पालन देखिए हर कोई चाहता है कि पढ़ाई करके जॉब करें जी। मैं भी पढ़ाई किया, मुझे भी यही था, मैंने भी जॉब किया जी। जॉब करने के बाद लगभग 4 साल जॉब किया, जॉब करने में मुझे अच्छा मतलब अर्निंग भी था, एक्सपीरियंस भी अच्छा था, जिस फील्ड से था उस फील्ड में जॉब भी कर रहा था, काफ़ी अच्छा था। लेकिन आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ और ज़्यादा करना है, कुछ बड़ा करना है जी, तो जॉब के थ्रू हो सकता है उतना पॉसिबल नहीं है, है ना, क्योंकि इंजीनियरिंग के फील्ड में आप देख ही रहे हैं नौकरी तो है लेकिन लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का आप नहीं कर सकते इस तरह की आप किसी बिजनेस के थ्रू कर सकते हैं अर्निंग करके। तो मुझे लगा बिजनेस करना चाहिए और मैं जब जॉब कर रहा था वहाँ पे राजस्थान में तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ। वहाँ पे जब देखा कि लोग कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं जी जी। आज के टाइम में पैसा का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में जी जी। तो मुझे भी लगा करना चाहिए और तो उसके बारे में सीखा, ऐसा नहीं कि देखा कि हाँ ये गोट फार्मिंग बहुत अच्छा है और चले आए। गोट फार्मिंग के बारे में मुझे लगभग 4-5 साल लगा वहाँ सीखने में। अच्छा। बड़े बड़े अनुभवी किसान से, अनुभवी फार्मर से मिला, वहाँ पे जो बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनके टीम में रह करके उनके साथ रह करके काम किया, क्योंकि मेरा जॉब ऐसा था कि मतलब उतना रेगुलर काम नहीं होता था। अगर मैं हफ्ते में 2 दिन भी काम किया, 3 दिन भी काम किया तब भी काम चलता था। उसके पैरल में मैंने गोट फार्मिंग को अच्छे से सीखा जी। तो करने से पहले आप पूरा अनुभव ले चुके थे कि बकरी पालन में पेशेंस भी रखना कहीं ना कहीं जरूरी है जी, ये आपको जानकारी था, पूरा अनुभव भी एक अच्छा खासा ले चुके थे। तो अभी सर आपके पास हम देख रहे हैं कि एक अच्छे खासे लेवल पे आप बकरी पालन हो गया करते हुए, कितना समय हो गया सर बकरी पालन में? मुझे 6 साल से ज़्यादा हो गया गोट फार्मिंग करते हुए। 6 साल हो गया। और एक छोटे लेवल से हमने स्टार्ट किया था, बहुत छोटे स्तर से मान के चलिए 8-9 बकरी से स्टार्ट किया था, 10 बकरी का मान लीजिए यूनिट था। और उस बकरी से ये था हमें कॉन्फिडेंस था कि जब कि मैं क्योंकि मैं सीख चुका था लगभग गोट फार्मिंग को अच्छे से सीखा था जी। तो मुझे ये पता था कि मैं बीमारियां या उनको डायग्नोस करना या उनका ट्रीटमेंट करना मुझे आता है जी। तो खिलाने पिलाने में थोड़ा अप डाउन होगा तभी कोई दिक्कत नहीं है जी। बाकी हर स्टेज में किस तरह से बच्चे या गाभिन बकरियों को देखभाल करना है जी। तो ये सब करना मुझे आता था तो ये सब मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ तो मैंने स्टार्ट किया। और बाकी ये है कि गोट फार्मिंग जब करेंगे आपको तो बकरियाँ ही उस्ताद होती है, मेन गुरु बकरी होती है, बकरी आपको बहुत कुछ सिखाती है आपके गोट फार्मिंग में जी। तो दोस्तों आगे भी सर से बात करेंगे और सामने कुछ बकरियाँ भी देख सकते हैं सर की काफ़ी शानदार क्वालिटी में यहाँ पे बकरी पालन भी कर रहे हैं। तो सर से जानना चाहेंगे कि सर जब आप जॉब करते थे उस समय लगभग क्या आपकी थोड़ा सा पर्सनल बात हो गया, क्या सैलरी था कुछ बताना चाहेंगे? सैलरी मेरी 6 लाख पर एनम की मेरा पैकेज था 5 साल पहले। आज जी 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 6 लाख था उसे, अभी शायद मैं अगर उसमें होता तो आज 10 लाख से भी ऊपर होता जी जी। और लेकिन फिर भी जो आज मेरी इनकम है उतना तो नहीं होता है ना, जो आज मेरी इनकम है तो और आगे मैं सब बहुत बड़ा भी करना चाहता हूँ। लगभग मेरा टारगेट ये है कि आगे आने वाले कुछ समय में 1,000 मेमनों का मतलब मैं करना चाहता हूँ, 1,000 बच्चे यहाँ प्रोड्यूस करना चाहता हूँ जी। अभी फुल्ली टाइम हम देख रहे हैं कि आप ब्रीडिंग पर्पज पे ही काम कर रहे हैं जी जी जी। आपके पास काफ़ी संख्या में हम आपके पास देख रहे हैं कि बच्चे भी आपके पास उपलब्ध हैं जी। बिल्कुल ब्रीडिंग देखिए, ब्रीडिंग ही मेरा टारगेट है, जिसको ब्रीडिंग नहीं करना है उसे फार्मिंग सीखने की कुछ खास जरूरत नहीं है जी। ब्रीडिंग ही मेरा पर्पज़ है, ब्रीडिंग
पे ही मुझे 1000 करना है प्रोड्यूस। सर अभी आपके फार्म पे बकरियों की कुल संख्या कितना होगा सर? मेरे पास 200 प्लस अभी है, अभी लगभग 300 थे तो कुछ मैं सेल किया हूँ जी, तो 200 प्लस अभी भी है मेरे पास अवेलेबल। किस किस नस्ल में अभी काम कर रहे हैं सर आप? मेनली मेरा बर्बरी का है, बाकी कुछ मान लीजिए 5% मेरे पास जमुनापारी भी है और ऐसे ही 5-10% ब्लैक बंगाल है मेरे पास। बल्कि ब्रीडर मेरे पास ऑलमोस्ट मान लीजिए इंडिया के सारे जो अच्छे ब्रीड हैं सबके ब्रीडर मेरे पास अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं केज में काफ़ी संख्या में यहाँ पे अभी बर्बरी का बच्चा रखा हुआ है, और जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें बाहर फील्ड में नहीं छोड़ सकते, थोड़ा सा इन्फेक्टेड का डर रहता है कि कोई बकरी इनको मार ना दे, तो उनको केज में भी रख सकते हैं हम सर। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपके पास हम देख रहे हैं कि ज़्यादा संख्या जो है काफ़ी और अच्छे क्वालिटी में भी बर्बरी आप रखे हुए हैं, तो बर्बरी रखने का थोड़ा सा क्या रीजन रहा? बर्बरी देखिए प्रॉफिट के मामले में भी सारी बकरियों से अच्छी है। अच्छा। और सर्वाइवल के मामले में ऑल इंडिया में देखिए तो बर्बरी सबसे ज़्यादा पाली जा रही है, प्लस किडिंग के मामले में भी अच्छी है जी। और उसका जो प्रेगनेंसी टाइम है, जैसे मान लीजिए कि वो जो मिल्किंग का जो टाइम है, जैसे मान लीजिए बच्चा दी तो 1 महीने के अंदर क्रॉस भी हो जाती है, अपने एरिया की बकरी है, यूपी की ब्रीड है, प्लस कोई ऐसा कमी नहीं है जो बर्बरी में देखा जाए, बाकी हर ब्रीड में कोई ना कोई कमी है, अच्छाइयाँ भी हैं तो उसके साथ कमी भी है, लेकिन बर्बरी में कोई ऐसी बात नहीं इसको बोला जाए कि ये इसमें कमी है, ये एवर ग्रीन बकरी है और छोटे साइज में है, हर जगह की मार्केट को कवर करती है, हर जगह सेल करने के लिए मतलब कोई दिक्कत नहीं परेशानी में, तो वही काम करना चाहिए जिसमें मार्केटिंग इजी हो। कहीं ना कहीं और नए किसानों के लिए भी स्टार्टिंग ख्याल मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा बर्बरी से कीजिए बिल्कुल। सर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप एक अच्छे लेवल एरिया में एक अच्छा खासा लागत लगा करके अभी पालन कर रहे हैं सर बकरी पालन, तो थोड़ा सा ये भी बताना चाहें कि आपका ये पूरा एरिया कितना होगा और क्या लागत सर लगा इसको स्टार्ट करने में, आपको ये पूरा सेटअप बनवाने में? जी सर, जमीन तो मेरे पास यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन गोट फार्मिंग के लिए जो कवर किया हूँ वो मेरे पास 12 कट्ठा है, 12 कट्ठा में बाउंड्री किया हूँ, उसमें शेड बनाया हूँ, उसमें इनका प्लेइंग एरिया है जी। इसमें हमारा स्टोरेज और लेबर रूम ये सब है जी। प्लस लेट बाथरूम ये सब कुछ है अवेलेबल जी। क्या कॉस्ट पड़ गया सर इसको लगभग बनवाने में? इसको बनाने में लगभग मान के चलिए 10 लाख रुपए तक हमारा गया है। 10 लाख रुपए तक गया है जी। सिर्फ अगर सेड की अगर बात की तो सर सेड का लंबाई और चौड़ाई क्या होगा सर आपके पास? सेड की लंबाई देखिए 105 फीट है और चौड़ाई 25 फीट है। चौड़ाई 25 फीट है जी। तो एक अच्छे खासे लेवल पे आपने लागत में भी एक अच्छा खासा फार्मिंग बनाया हुआ है जी। जी जी सर, कई जगह देखते हैं कि बकरी पालन जो किसान स्टार्ट करते हैं या काफी जो पहले से करते हैं तो थोड़ा सा वो फ्लोरिंग वाला सिस्टम लगाए हुए हैं जी, जी, काफी जगह पे देखते हैं कि एलिवेटेड फार्मिंग काफी प्रचलन और काफी प्रसिद्ध भी है। आपका हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आप ग्राउंड लेवल पे ही कर रहे हैं, धरती पे ही कर रहे हैं, तो उसमें इसमें कुछ फर्क भी पड़ता है सर? फर्क कुछ नहीं है, देखिए आप यहाँ से साउथ में जाएंगे जो उड़ीसा का एरिया है जी, उसके आगे झारखंड से उधर जाएंगे या साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, नमी वाला एरिया, तो नमी वाले एरिया में क्या होता है कि नमी की वजह से बकरियों को परेशानी है, लेकिन आप इधर मिड इंडिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया तक पूरा जाएंगे तो वहाँ ड्राई स्टेट है, यूपी भी उसी में से एक है जिसमें बनाने की जरूरत नहीं है। और गोट फार्मिंग पहले आज से नहीं जमाने से हो रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एलिवेटेड बनाया गया या चौकी रखा गया या कुछ बनाया गया, जमीन पे हो रहा है, जमीन भी सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई मुझे तो अभी तक कोई परेशानी ऐसी हुई नहीं है जिससे कि जमीन पे रखने पे कोई प्रॉब्लम हो रही है ऐसा कुछ जी। मतलब अपना अगर थोड़ा सा सही से सफाई उफाई का भी ध्यान रखें तो कोई दिक्कत होता नहीं है? सफाई का ध्यान रखिए, प्लस कोशिश कीजिए कि ज़्यादा नमी ना हो जी। नमी को दूर करने के लिए आप वीकली चूने का ड्राई जो चूना होता है, खली चूना, उसको छिड़काव करिए, तो क्या है नमी को अब्जॉर्ब करता है, अब्जॉर्ब करेगा तो सूखा रहेगा और जर्म्स बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, तो ज़्यादा परेशानी होती नहीं जी। सर इतना बड़ा फार्म को मैनेज करने के लिए लेबर एंड कॉस्ट तो आपको पास लगता होगा जी, आदमी भी काफ़ी, तो कितना अभी लगभग इसके लिए आदमी आप रखे हुए हैं? मेरे पास 2 लोग हैं जो कर रहे हैं, वर्किंग हैं, और 2 लोग सफिशियंट हैं जी। जी तो सर आप अपना एक अच्छा खासा लाइफ छोड़ करके बकरी पालन में अपना टाइम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सर थी उतना का इनकम आप छोड़ करके इस लाइन में आए, तो इससे आपका क्या कितना प्रॉफिट बन जाता है पर एनएम के हिसाब से अगर देखा जाए? तो पर एनएम के हिसाब से देखा जाए तो देखिए मेरे पास 105 मदर गोट है जी, और 100 पे ही अभी हम काम कर रहे हैं, आगे तो बढ़ाने का है मुझे, इसको एक्सटेंशन करना है जी। लेकिन फिलहाल हम 100 पे ही काम कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अदर मतलब डिस्ट्रक्शन भी हैं कि जिससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, जैसे बाहरी बहुत सारे लोग फार्म कर रहे हैं हमारे गाइडेंस में, उनको भी देखना पड़ता है, ट्रेनिंग है, अपना पर्सनल ट्रेनिंग है, प्लस सेंट्रल बैंक का आरसीटी का भी ट्रेनिंग है, उसमें मैं ट्रेनिंग देता हूँ जी, तो इसलिए मैं 100 पे रखता हूँ। और 100 पे देखा जाए तो ऑन एन एवरेज ये कहा जाता है कि लोग 10,000 पर बकरी तक कमाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक ऑन एवरेज बोला जाए तो 10,000, लेकिन मेरे यहाँ 15,000 से ज़्यादा है पर बकरी एवरेज, तो 15 से 20 लाख हमारा पर एनम का इनकम है पर एक साल का लगभग रेवेन्यू बनता है। बिल्कुल बिल्कुल 15 से 20 लाख, लेकिन कुछ बकरियाँ मेरे पास ऐसी रहती हैं कि हैं अभी जो जिनके बच्चे और उनका प्रोडक्शन ऐसा है कि अगर वैसी बकरियाँ आपके पास
100 मदर गेट हो गए जी, तो उसमें आप 25 लाख भी, 30 लाख भी, 35 लाख तक जा सकते हैं, कमा सकते हैं, डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं ये बकरियों की नस्ल पे डिपेंड करता है कि आप मतलब कैसा चुनाव करते हैं, कैसी नस्ल की बकरियां रखते हैं। जी जी, आपके पास भी सर देख रहे हैं कि एक अच्छी नस्ल है बरबरी में, काफी सुंदर बकरी है जी जी। तो खासियत इसकी बताइए सर, और क्या खास बात ये है? बरबरी बरबरी की फीमेल है जी, बच्चा है, तो इस तरह की बरबरी अगर फीमेल आपके पास है जी, लगभग ये 2.5 मंथ के दूध अभी पी रही है, 2.5 मंथ की बच्चा है जी, 2.5 मंथ तो ऐसे बच्चे, ऐसे इसकी माँ भी ऐसी है, ऐसे बच्चे आपके पास हैं, इनको मदर गोट बनाएंगे। अच्छा, तो ये बकरियाँ हैं कि आपको अगर 100 मदर गोट हैं आपके पास तो इसका कोई वो लिमिट नहीं है। जानवरों का कोई कीमत ऐसे नहीं होता है कि यहाँ इतने का है या इतने में बिक रहा है जी। वो सिर्फ मीट का ही कीमत है कि 600 रुपये किलो या 700 रुपये किलो बिक रहा है जी। लेकिन शौक के तौर पे अच्छे जानवर का देखा जाए तो उसका कोई कीमत नहीं है। कभी अभी के में जो डिमांड है सर, क्वालिटी के ऊपर है, सुंदरता के ऊपर है जी। तो क्वालिटी अगर अच्छा है तो बरबरी जाती है, 30,000-35,000 की भी बरबरी जाती है, 40,000 तक की भी जाती है बरबरी जी जी। तो ऐसे अगर 100 बकरी का अगर आप पालन करते हैं, 100 मदर गोट है जी, तो उसका वो नहीं है कि 15 लाख कमाएंगे, इनकम भी ले सकते हैं जी, 15 लाख कमाएंगे कि 20 लाख कमाएंगे कि 40 लाख कमाएंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो कोशिश ये कीजिए कि अच्छी बकरियों को पालें। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बकरियों को स्ट्रेस फ्री रखना है, सबसे की फैक्टर है इसमें। क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि बकरी का जब खाने का वक्त हो तो आराम कर रही है, बैठी है, और जब बैठने का वक्त होता है आप उसको बोल रहे हैं कि जाओ खाना खाने जाओ। उनको रूटीन अपने हिसाब से मत रखिए, बकरियों को बकरियों के हिसाब से रखिए, वो फ्री स्पेस दीजिए घूमने फिरने का, और उनके हिसाब से रखिए। जरूरी नहीं आप अपना उसमें दिमाग लगा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर, ऐसा कुछ नहीं। बकरी को स्ट्रेस फ्री रखेंगे तो उसका इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उससे क्या है, बकरियाँ बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिसको बकरियों के अंदर होता है वो खुद से ठीक कर लेती है। वही अगर इम्यूनिटी अच्छा नहीं है तो बकरियां क्या है कि छोटे छोटे बीमारियों को ग्रसित होती हैं, आपको इलाज करने में परेशानी होगा, बकरियां भी पीछे जाएंगी, बैक होंगी। तो मैं ये बोलूँगा कि बकरियों को स्ट्रेस फ्री रखिए, अच्छे से रखिए। लोग बोलते हैं कि मैं बकरी खरीद के लाया, बकरी ख़राब मिल गई, लेबर ख़राब था उसकी वजह से फार्म बंद हो गया, बकरी ख़राब थी उसकी वजह से फार्म बंद हो गया। आप देखेंगे कि मेरे यहाँ कश्मीर की बकरियाँ, उससे ज़्यादा इन्वायरमेंट चेंज तो कहीं नहीं हो सकता है ना। जी, आपके कश्मीर, पास हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे नस्ल में कश्मीर का कश्मीरी बकरे, इसके बच्चे लगभग हमारे पास 8-10 बच्चे हैं कश्मीरी जी, जो आपको दिखा देंगे। तो वो बच्चे कश्मीरी नस्ल के बकरियाँ यहाँ हमारे पास स्टे कर रही हैं अच्छे से। तो समझ लीजिए इससे क्या ज़रूरी है कि आप इनको पालना सीखिए, बकरी को समझना सीखिए, बकरी की बीमारी के बारे में जानिए। किसी भी कोने की बकरी ला के आप पाल सकते हैं, अगर उसके लिए ज़रूरी आप एक्सपर्ट बनिए। ये नहीं कि बकरी को समझिए कि 1-2 गांव में पाल रहे हैं वैसा ले आके हम भी पाल लेंगे और ग्रोथ कर लेंगे, नहीं। गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर सीखिए, अब किसी अनुभवी ट्रेनर से सीखिए जो कम से कम 200-300 बकरी खुद पाल रहा हो, वो आपको बता सकता है। ऐसा नहीं कोई डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा, और जो 10 बकरी पाल के और दुकान खोल के बैठे हुए ये भी नहीं बता पाएंगे। तो ज़रूरी है अपने आप को एक्सपीरियंसफुल नॉलेजफुल बनिए। बहुत बढ़िया सर। तो दोस्तों ये रहा एक अनुभवी किसान का जानकारी, अनुभवी किसान का एक अनुभव रहा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बकरी पालन में कहीं ना कहीं आप बकरियों को समझिए, बकरी पर टाइम दीजिए और बकरी के हेल्थ पर ध्यान दीजिए, तब कहीं ना कहीं बकरी पालन में आप भी सफल हो सकते हैं। और उसमें पेशेंस रखिए तो एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। और कहीं ना कहीं ब्रीड पर काम कीजिए, एक अच्छे नस्ल का चुनाव कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।